कंप्यूटर सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसका थ्योरेटिकल पार्ट अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर बात करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर बात करेंगे। ये IBPS, SBI, PO एवं क्लर्क, SSC, रेलवे, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक इत्यादि एक दिवसीय एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट MCQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? BARC, IIT कानपुर, CDEC, IIT दिल्ली। इसका आंसर है CDEC। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर है मैकेनिकल इंजन है एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन के लिए सिलिकॉन इंपॉर्टेंट होती है। इसका सिंबल SI है। सुपर कंप्यूटर है, लैपटॉप के ही आकार के होते हैं, गलत है ये, में हज़ारों माइक्रोप्रोसेसर होते हैं, ये ऑप्शन सही है। सुपर कंप्यूटर हज़ारों माइक्रोप्रोसेसर से मिलकर बना होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मेनफ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, गलत, अधिकांश घरों में आम है, ये भी गलत है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हज़ारों माइक्रोप्रोसेसरों से मिलकर बना होता है सुपर कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1976 में हुआ था, और उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे वन था। इसे CDEC कंपनी ने बनाया था। प्रथम गणना यंत्र अबेकस है, 16वीं शताब्दी में चीन के ली काईचेन ने अबेकस का निर्माण किया था। कौन सा डिवाइस हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली ऐसा प्रणाली जिसे हाथ पर रखकर चलाया जा सके, तो ऐसी ऑपरेटिंग प्रणाली PDA है। PDA का फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल, डेस्कटॉप, हैंड हेल्ड, नोड। उपयोगकर्ता नोड का इस्तेमाल करते हैं। इसका आंसर एट का आंसर ऑप्शन डी नोड है। कंप्यूटर चलाने के लिए, ये कंप्यूट हो गया है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र, इसी से बना है कंप्यूटर। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। डाटा या सूचना चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र, एक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र को कंप्लीट होने के लिए पहले कंप्यूटर में इनपुट प्रवेश कराया जाता है। इनपुट अर्थात सूचना, डाटा। इस डाटा को CPU प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जानकारी को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ऑप्शन ए। आउटपुट क्या है? आउटपुट जो कंप्यूटर हमें प्रदान करे वह आउटपुट कहलाएगा। वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे, ठीक, वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता से ले वाला ऑप्शन गलत। वह जो उपयोगकर्ता प्रोसेसर को दे ये भी गलत। वह जो प्रोसेसर को उपयोगकर्ता से मिले ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आउटपुट क्या है? वह जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को दे। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? पेरिफेरल द्वारा, CPU द्वारा, रैम द्वारा, मेमोरी द्वारा। आंसर है ऑप्शन बी, CPU द्वारा। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क, CPU, वर्क स्टेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट।
सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? क्या है? ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिथम, प्रोसेसर या प्रोसेस। इसका आंसर है इनपुट। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा मतलब ऐसा अव्यवस्थित डाटा जो प्रोसेसिंग होने के पश्चात प्रोसेस्ड हो गया हो। प्रोसेसिंग होने के बाद जो डाटा हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट। प्रोसेस्ड डेटा आउटपुट कहलाता है। एक कंप्यूटर जिसे पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर कहने का मतलब है ऐसा कंप्यूटर जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके या रखा जा सके। तो ऐसा एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, वो है मिनी कंप्यूटर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? ENIAC किसने डिजाइन किया था? वॉन न्यूमैन, जे एम जेकार्ड, जोसेफ मैरी जेकार्ड है, जे पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली। इसका आंसर हो जाएगा ENIAC का डिजाइन जे पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने किया था। आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं, आधुनिक कंप्यूटर के जनक इसमें देख लेते हैं, वॉन न्यूमैन ने आविष्कार किया था एडवेक का आविष्कार किया था, और जोसेफ मैरी जेकार्ड ने जेकार्ड लूम का आविष्कार किया था, जेकार्ड लूम का आविष्कार किया था, और जे पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली ने ENIAC का आविष्कार किया था। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिचेल, ब्लेज पास्कल। इसका आंसर है आधुनिक कंप्यूटर के जनक को चार्ल्स बेबेज को माना गया है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना गया है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के जनक के बारे में बात करें तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर एलन ट्यूरिंग ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज को ले सकते हैं हम। कंप्यूटर के चार मुख्य कार्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस, डेटा, इन्फॉर्मेशन, बीट और बाइट, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और वर्चुअसिटी। इसका आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित को प्रोसेस करना और उसे इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और उसे इन्फॉर्मेशन में बदलना है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा उसका। प्रथम कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? प्रथम कंप्यूटर मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात की जा रही है। प्रथम कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, तो मशीन लैंग्वेज के उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी प्रथम कंप्यूटर में, या प्रथम कंप्यूटर में। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। इसका आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर बनाया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में भौतिक मात्राओं का मापन किया जाता है, और डिजिटल कंप्यूटर में अंकगणितीय प्रक्रियाएं की जाती है। जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तब हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसा विज्ञान जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? नैनोटेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उपरोक्त सभी। ऐसा विज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है, AI कहलाता है। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है।
ऑप्शन डी IBM कंपनी की शुरुआत 1924 में हुआ। IBM कंपनी नाम 1924 में पड़ा और IBM कंपनी पहले पंच कार्ड का निर्माण करता था जिसे टेबलेटिंग बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता था। इसका नाम टेबलेटिंग बिजनेस मशीन था जिसका नाम बदलकर 1924 में IBM किया गया। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है गणना कार्य करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डेटा का संग्रहण, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ गणना कार्य करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ गणना कार्य करना नहीं होता, केवल गणना कार्य करना नहीं होता। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर की कार्य प्रणाली डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ ये भी नहीं होता। डेटा का संग्रहण प्रोसेसिंग का ये भी मतलब नहीं होता। ऑप्शन है डेटा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, ये ऑप्शन डी ठीक लग रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जो अव्यवस्थित डेटा रहता है उसे CPU प्रोसेसिंग के द्वारा एक उपयोगी जानकारी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किए गए परिणाम हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया किए गए परिणाम आउटपुट है। क्या प्रोड्यूस करता है कंप्यूटर? अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करके एक व्यवस्थित डाटा आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट है, ऑप्शन डी आंसर है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। इसका आंसर है ऑप्शन डी, चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है। खाली स्थान कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि खाली स्थान से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका आंसर है बिट और बाइट तो नहीं हो सकता। सूचना एक कच्चे तथ्य नहीं होते, डेटा डेटा एक कच्चा तथ्य हो सकता है जबकि सूचना अर्थपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेटा और सूचना। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, एकत्रित चिन्ह को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? सूचना के बारे में बात हो रही है, अवस्थित डेटा के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है कंप्यूटर में, ऑप्शन सी आंसर है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? कंप्यूटर नहीं कर सकता है, इसका सीधा आंसर है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकते हैं। सोच अपनी आप, जब तक हम इनपुट के रूप में डाटा प्रोवाइड नहीं करते तब तक कंप्यूटर अपने आप अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कम ही होती है, लेकिन इसमें सामान्य, उच्च, औसत और निम्न की बात की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका निम्न तो नहीं होगा क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार तो मनुष्य ने ही किया है ना, तो निम्न तो हटा देते हैं, औसत औसत उच्च भी हटा देते हैं, तो औसत और सामान्य आ जाएगा। तो हम औसत नहीं लेते, सामान्य लेंगे, आंसर है सामान्य। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहा जाता है? किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को इनपुट कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, इनपुट। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है इसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। आंकड़ों का भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति, हाँ आंकड़ों का भंडारण करता है ठीक, उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, हाँ ये भी सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, हाँ पासवर्ड द्वारा गोपनीय बनाया जा सकता है किसी डेटा को, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित हो जाता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही है बात की जा रही है तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, इसका आंसर हो जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। तो ये तो कंप्यूटर का ही परिभाषा है ना, आंसर हो जाएगा कंप्यूटर।
किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है व्यवस्था, या फिर हम ये ले सकते हैं एक संस्था ले सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी संस्था को पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण करने की बात की जा रही है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है इस पर बात करेंगे। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, हाँ उस संस्था को पूर्ण कंप्यूटरीकरण करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, पूर्ण कंप्यूटरीकरण करने के लिए वित्तीय संसाधन अर्थात पैसे की तो आवश्यकता ही पड़ेगी, ये भी ठीक है। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, हाँ कंप्यूटर चलाने के लिए तो प्रशिक्षण की आवश्यकता, जानकारी की आवश्यकता ही चाहिए। एक अत्याधुनिक संरचना की, और पूरी संस्था को अगर कंप्यूटरीकृत करना है तो अत्यधिक एक एक अच्छी संरचना की तो आवश्यकता पड़ेगी। चारों सही लग रहा है, आगे देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। सही है के बारे में बात की जा रही है तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन डी, सभी चारों सही हैं। किसी व्यवस्था या संस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, चारों की आवश्यकता होती है। लैपटॉप क्या है? कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित एक कंप्यूटर, आवाज़ मान्यता प्रणाली वाला एक कंप्यूटर, नैदानिक प्रयोगशाला में इस्तेमाल होते कंप्यूटर, हल्के वजन वाले कंप्यूटर जो एक छोटे से बैग में फिट हो जाए। लैपटॉप एक हल्के वजन वाले कंप्यूटर है जो एक छोटे से बैग में फिट हो जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी इसका आंसर है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल, गार्डन मुरे। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर प्रस्तुत किया था सबसे पहले, जॉन वॉन न्यूमैन ने। और कई जगह इसका आंसर ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को भी ले लिया जाता है, तो देख लेना। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास पूछे तो चार्ल्स बेबेज लगा देना, और कंप्यूटर आर्किटेक्ट किसने तैयार किया था सबसे पहले बोले तो आंसर ए हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन ने। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित किया जाता है? इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित किया जाता है? डेटा को। इनपुट जो दे रहे हैं वो एक प्रकार का डेटा ही है। डेटा कहने का मतलब यहाँ पे है एक व्यवस्थित डाटा, ये अव्यवस्थित भी हो सकता है, जिसे इनपुट डिवाइस बिट्स और बाइट में कन्वर्ट करके प्रोसेस सीपीयू के पास भेजता है। सीपीयू इस डाटा को प्रोसेसिंग द्वारा एक व्यवस्थित डेटा में परिवर्तित करता है और आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। पर्सनल कंप्यूटर को किस रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? नेटवर्क, सर्वर, एंटरप्राइजेस, सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर है नेटवर्क के रूप में सुपर कंप्यूटर को एक साथ, या फिर पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है नेटवर्क के रूप में। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस सर्वर, ये तो जोड़ने वाला है, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर आधारित नहीं होता, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। हाँ, पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका आंसर है कंप्यूटर प्रोसेसर, केस और स्टाइलस। आंसर है इसका प्रोसेसर, ऑप्शन डी प्रोसेसर। कंप्यूटर का बेसिक काम नहीं है। कौन सा बेसिक काम नहीं है कंप्यूटर का? डेटा को स्टोर करना, ये है। प्रोसेस डेटा, ये भी है। एक्सेप्ट इनपुट, ये भी है। कॉपी टेक्स्ट, हाँ, लेकिन कॉपी और टेक्स्ट करना इसका बुनियादी काम, बेसिक काम नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉपी टेक्स्ट। पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ना हो सकता था कौन सा है? टू स्लाइट और टी जे आर्ड पास्कलाइन। पहला मैकेनिकल मशीन कौन सा है जिसमें जोड़ना हो सकता था?
पास्कल लाइन है, पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था, ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर, उपरोक्त सभी। इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया जाता है। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई? उस फ्रांसीसी का नाम वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई। ऑप्शन है हेनरी, जोस मार्क, जोसेफ मैरी जेकार्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ मैरी जेकार्ड। जोसेफ मैरी जेकार्ड ने जेकार्ड जेकार्ड लूम का आविष्कार किया, जो पंचकार्ड के सिद्धांत पर काम करता था, पंचकार्ड के सिद्धांत पर कार्य करता था। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ऑन हील, कंप्यूटर ऑन चिप, कंप्यूटर ऑन सिप, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है कंप्यूटर ऑन ए चिप। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत गणना एवं तर्क, मापन, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गणना एवं तर्क डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? कृत्रिम बुद्धि, माइक्रो प्रोसेसर, घर घर में उपयोग, बहुत कम कीमत। इसका आंसर है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर, इस पर बात कर चुके हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। तो पोर्टेबल कंप्यूटर है डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, पीडीए, मिनी कंप्यूटर। एक पीडीए एक बहुत ही सरल पोर्टेबल कंप्यूटर है, पीडीए। इस पर बात कर चुके हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। विनिर्दिष्ट विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर, विशेषीकृत स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इसका आंसर हो जाएगा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा ऐसे कंप्यूटर जो एक पर्टिकुलरली काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे रक्षा अनुसंधान के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, कृषि के लिए। ऐसे इस प्रकार के कंप्यूटर स्पेशल पर्पस के लिए तैयार किए जाते हैं और ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था। सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था। थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था, और इंटीग्रेटेड सर्किट आगे चलकर वेरी लार्ज और लार्ज में कन्वर्ट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। कंप्यूटर का दिमाग मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क, इसको सीपीयू कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य लॉजिक यूनिट से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा किसे कहा जाता है? ऐसा डाटा जिसमें अंक, शब्द और चिन्ह हो, ऐसा डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। तो ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ग्राफिक और शेयर फिगर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, ऑप्शन बी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में क्या है? फ्लो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रेगुलेशन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम। इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है। आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शब्द
ये शब्द है इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? शब्द इमेज और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। देखो क्या कह रहा है, सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप के रूप में समझ सकते हैं। प्रोसेस करने वाले प्रारूप, इनपुट डाटा को ही सीपीयू प्रोसेस करता है, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं? सीपीयू व मुख्य मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, मुख्य मेमोरी व स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट व ALU। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल यूनिट व ALU कंप्यूटर प्रोसेसर में शामिल होता है। माइक्रो प्रोसेसर जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को और किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोचिप, सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर, ALU आंसर है माइक्रोचिप के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी किस के समन्वयन से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वयन से कार्य करती है? जितनी भी मेमोरी है वो CPU के समन्वयन से कार्य करती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के समन्वयन से कार्य करती है। CPU का प्रमुख कार्य है, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेश पर अमल करना, डाटा या जानकारी प्रभावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। CPU का काम है डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना CPU का प्रमुख कार्य है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है इस पर बात हो रही है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डाटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम से बड़ी या बराबर या कम है, डाटा आइटमों के आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित करने में, मान निर्धारित करने में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक यूनिट में जमा, घटाना, गुणा और भाग होता है। इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह क्या कहलाता है? इनपुट और आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह निश्चित ही कंप्यूटर कहलाता है, ऑप्शन सी आंसर है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है, डायरेक्ट आंसर है CPU। ALU परिचालन संपन्न करता है, ALU परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है। अर्थमेटिक मतलब जोड़ा घटाना गुणा भाग से संबंधित परिचालन संपन्न करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन बी आंसर है अर्थमेटिक। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए डाटा डिलीट करना, गणना एवं प्रोसेसिंग करना, डाटा कैलकुलेट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, गणना एवं प्रोसेसिंग करना सेंट्रल यूनिट का फंक्शन है। IO और CPU के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसका IO और CPU के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? ALU, कंट्रोल यूनिट, रैम और रोम। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है IO और CPU के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। ALU, कंट्रोल यूनिट और रोम, कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर और रैम। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं। इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा है, इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा है, यह बाहरी दुनिया से डाटा स्टोर करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिससे कंप्यूटर समझता है, यह बाहरी डेटा को मानव द्वारा पढ़ी जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यह बाहरी डेटा को मानव द्वारा पढ़ी जाने वाली रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है, ऑप्शन सी आंसर है, इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ा है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है,
एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, प्रोग्राम और प्रोसेसर। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल यूनिट, मॉडेम, सीपीयू, एएलयू। इसका आंसर है ऑप्शन डी, एएलयू, अर्थमेटिक। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। सीपीयू और एएलयू में क्या होता है? सीपीयू और एएलयू में रैम स्पेस, रजिस्टर, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस, प्राइमरी स्टोरेज स्पेस। तो सीपीयू और एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर होता है। ऑप्शन बी, रजिस्टर आंसर है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट तुलना करता है, डाटा संग्रह करता है, गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। देखते हैं, तुलना करता है, ये सही है। डाटा संग्रह करता है, ये नहीं करता। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ये भी करता है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, संप्रेषण करता है, ये भी सही नहीं है। तो तुलना करता है, गणितीय क्रियाएं संक्रियाएं पूरी करता है, ए और सी। इसका आंसर होगा निम्नलिखित में से क्या है? ए और सी। आंसर है ऑप्शन फोर, ए और सी। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए और सी। डिवाइस, खालिस्तान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझने वाले डेटा और प्रोग्रामों को एक ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा दिए जाने वाले डाटा को जीरो और वन दो बाइनरी कोड में बदलता है जिसे सीपीयू प्रोसेस कर आउटपुट प्रदान करता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और खालिस्तान यूनिट होती है। सीपीयू में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है। ठीक, ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है।